10th, कल हमने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस में. आज हम स्टडी कर रहे हैं उससे आगे के टॉपिक की, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. जो वाटर है जो प्लांट के थ्रू रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे वो अपनी प्लांट्स की रूट से अब्जॉर्ब करता है सॉयल के थ्रू. ये एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस की, जिसमें क्या होता है कि जो रूट सेल्स होती हैं वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं मिट्टी से, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस में फिर वो स्वेल ऑन हो जाती हैं यानी फूल जाती हैं. जो प्लांट्स हैं उनको इसमें एक अदर रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है. ये सब क्या हैं जो कि प्लांट्स की बॉडी बना रहे हैं, और उनको ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सॉयल से मिलेगा. अब इसके आगे का डिस्कशन, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है. मेनली जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस माने जाते हैं. क्लोरोज मीन्स ग्रीन ग्रास, और प्लास्टोज मीन्स मोल्डेड, मतलब जो उसमें मोल्ड हुआ हुआ है. क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एनवलप. ये एक यूनिट मेम्ब्रेन है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा. एक मैसिव मेम्ब्रेन सिस्टम मिलता है लैमेली का और थायलेकॉइड्स का, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, स्ट्रोमा में मिलते हैं. कुछ हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो टू काइंड्स का होता है. थायलेकॉइड्स उसके अंदर टू काइंड्स के होते हैं, एक तो है लार्ज और एक है स्मॉल. जो लार्ज वंस हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रोमा, यानी जो बड़े वाले हैं थायलेकॉइड्स, उनको हम स्ट्रोमा कहेंगे. जबकि जो स्मॉल वंस हैं, जो डिस्क शेप्ड हैं थायलेकॉइड्स, उनको कहा जाता है, जो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं प्लेसेस पर, उनको कहते हैं ग्रेना, और इस पूरे को कहा जाता है ग्रेना थायलेकॉइड्स. सो ये है मेन, हमने जो अभी अभी रिवाइज किया इसका टॉपिक. अब आप इसे स्ट्रक्चर में भी समझ सकते हैं. जैसे कि हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ये साइटोप्लाज्म है जो मैट्रिक्स इसके अंदर भरा है. ये ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं जो वाटर से फिल्ड रहती हैं. ये थायलेकॉइड्स हैं जो एक के ऊपर एक प्लेट लाइक रखे हुए हैं. तो जहाँ ये क्लोजली जुड़े हुए हैं, ये ग्रैनम हो गया आपका. ये बीच का लिंक जो है ये लैमेली है. ये स्टार्च है जो प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड हो जाता है. और जो हमारे पास स्ट्रोमा रीजन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर पर पैक्ड हैं. ये DNA देन RNA. फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, सभी एनिमल्स को हम यहाँ पर तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनके फूड हैबिट्स के बेस पर. वो क्या होंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स में. हर्बीवोर्स क्या हैं, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. इनमें आते हैं गोट, काउ, डियर. कार्निवोर्स में वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या उनका फ्लश खाते हैं. ये कार्निवोर्स हैं, लाइक टाइगर, लॉयन, फ्रॉग. ओमनीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट भी खाएंगे और एनिमल भी खाएंगे, लाइक मैन, डॉग, क्रो. हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर जो हैं वो यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. इट मीन्स अपना पूरा फूड इनटेक कर लेते हैं. कल हम इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप इतना लिखिए. थैंक यू.